अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो वैसे ही कुछ ऐसा है कि आज है वेनसडे एंड आज मेरे दो आए हैं पार्सल, वो भी दराज की तरफ से। और एक तो ये मेरा हॉर्न है बाइक का, एंड दूसरा ये चीज़ आपने गेस्ट करनी है, कमेंट बॉक्स में बताने की क्या है। इसकी भी अनबॉक्सिंग कह लें या रैप इसी वीडियो में मैं करूँगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर, सबसे पहले आ जाता है मेरे बाइक का हॉर्न, होंडा सीबी 150F का। तो जी इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। हाँ जी, ये आ गया जी हमारे बाइक का हॉर्न। ये जी इसके सामने सीबी 150 का हॉर्न आ गया। ये रहा जी होंडा सीबी 150F का हॉर्न। और इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। पहले इस जैसा हॉर्न मेरे बाइक को लगा हुआ है, बट उसकी आवाज़ जो है सिंगल है। मैंने ले लगवाई थी उसकी आवाज़ डबल करने के लिए, लेकिन वो मज़ा नहीं कर रही। तो ये मैंने मंगाया है दराज से। इसकी कास्ट मुझे तकरीबन 1000 के करीब पड़ी है। एंड ठीक है, जेन्युइन है। एंड अभी पता तो कल ही चलेगा जब इलेक्ट्रिशियन के पास जाके इसकी सेटिंग कराऊंगा। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हैं। या तो आप गूगल पे जाकर सर्च करें सीबी 150F हॉर्न, तो इस तरह का आपको सामने पिक्चर शो होगी हॉर्न की। तो आप उधर से जाके विजिट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट दराज पे आ जाएंगे, वहां से आप बाय कर सकते हैं इजीली। ये तकरीबन मुझे पड़ गया है 968 रुपीज़ का। ये पार्सल जो है ये मुझे सुबह तकरीबन 12 बजे रिसीव हुए थे। तो मैंने सोचा घर जाके वीडियो बनाऊंगा स्टार्ट के टाइम पे। माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी का है, मेटल है फुल, कहीं भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया। एंड ये हल्की सी टेढ़ी, अब ये मुझे नहीं पता कि ये जेन्युइन टेढ़ी होती है या फिर है ही ऐसे। एंड काफ़ी हार्ड है, हैंड से तो नहीं हो रही सीधी, शायद ये जेन्युइन हो, ब्रास है ये वाला भी। एंड अभी इसकी सेटिंग भी देखते हैं, इसकी सेटिंग कहाँ जाके करेंगे, मतलब ये सेट, मतलब ये एडजस्ट कहाँ पर होगा। आई थिंक सो जैसे वो लगा हुआ इस तरह करके, तो ये भी साथ उसके लगा देंगे तो आवाज़ काफ़ी अच्छी आएगी हॉर्न की। क्योंकि 150 CC कैटेगरी के बाइक हो तो उसकी आवाज़ अगर छोटी हो तो मज़ा नहीं देती। उसके बाद जी दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है ये। अभी आपने करना है जी गैस इसमें क्या होगा। ये मैंने इसलिए ऊपर टेप लगाई हुई है क्योंकि ड्रेस की प्राइवेसी होती है इस वजह से। तो भी बस अगर आपने गैस लगा लिया है तो शायद ठीक ही लगाया होगा। तो जी व्यूअर, ये अनबॉक्स नहीं कहूँगा इसको, अनरैप ही कहूँगा। तो ये व्यूअर है ग्रीन स्क्रीन शीट। और यूट्यूब, अभी जो यूट्यूबर होंगे उन्हें पता ही होगा इसके बारे में, मैं मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। इसके तो टू पीस है और ये काफी बड़ी शीट है। और ये जी 1, 2, 3 एंड 4। एंड इसके मजीद ये मतलब और भी इसके साथ आए हैं, ये 4। और इसके अलावा ये भी 4 इसके हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये टोटल जी इसके साथ 8 क्लिप आए हैं। एंड ये तकरीबन इन दोनों की कास्ट मुझे आ गई है
970 रुपीज़। इनमें थोड़ा सा मुझे है कि ये पता नहीं अब कैसे लगे हैं, दीवार के ऊपर कोई इसके पीछे डबल टेप नहीं है, बट ठीक है, प्राइस के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है। एंड शीट जो है माशाल्लाह वो काफ़ी बेहतर है। एंड अभी ये शायद प्रेस करके लगानी पड़ेगी या ऐसे लग जाएगी, अभी ये मुझे पता नहीं है। ये दो शीटें हैं, एक पीस इसका अलग है और एक दूसरा पीस इसका जो है वो अलग है, ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो व्यूअर जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये दो शीट्स हैं, ये अलग अलग पेयर में आई हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज मेरी शॉर्ट्स अनबॉक्सिंग। बाइक के हॉर्न की फिटिंग जो होगी वो कल उसके इलाजा से मैं वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये शॉर्ट सी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।